तो वही जोधपुर के लूणी में एक बार फिर से किसानों के सामने टिड्डियों से फसलों को बचाने का संकट आ खड़ा हुआ है। क्षेत्र के बासनी, हनवत, सालावास और भगत के कोठी सहित कई क्षेत्रों में टिड्डी दल ने प्रवेश किया, जिसने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। हाल ही में बारिश के बाद किसानों ने व्यापक स्तर पर खरीफ फसलों की बुवाई की थी। ऐसे में किसानों को ये चिंता है कि इस बार छोटी अवस्था में ही टिड्डियां अपनी फसलों को चौपट कर देगी। ऐसे में किसान अपने खेतों से टिड्डियों को उड़ाने का जतन कर रहे हैं। भारत का अन्नदाता धरती पुत्र किसान हमेशा प्रकृति से संघर्ष करके भी अपनी खेती में लगा रहता है। वो खेत बोते समय हमेशा प्रार्थना प्रभु से पहले औरों के लिए फिर अपने लिए करता है, लेकिन किसान की चिंता अब और बढ़ गई है कि टिड्डियों का पिछले साल भी हमला हुआ रबी की फसल पर, इस बार भी बार बार टिड्डियाँ आ रही है। आज भी हमारे लूणी क्षेत्र जोधपुर में टिड्डियाँ बोरनाडा, नंदवाण और सलवास की सरहद पर पड़ाव डाला हुआ था। मैं भी मौके पर जाकर आया, अधिकारियों से भी बात हुई।